कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन की विषम स्थितियों में भी हमें देश का साथ देना है और हम सभी सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, विश्व सुरक्षित रहे, ये कामना भी हम लोग करते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और लोगों को भी घर में रहने की सलाह दें, बाहर न निकला जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझे फ़ोन करके ये बता रहे थे कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ करिए। ऐसी स्थिति में किया भी किया जाए, क्या जा सकता है? ना तो कहीं पर कोई व्यवस्था की जा सकती है, ना उन्हें अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैंने घर में देखा तो एक दरवाजे का ये वाइट बोर्ड पड़ा हुआ था माई का, इसको आज हमने दीवार पर लगाया और फिर कहा चलो चलते हैं, उस थोड़ा बहुत पढ़ाई किया जाए, मन लगेगा और जो आपकी समस्याएं हैं वो भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैथ्स की बात मैं करूं तो मैथ को हम इसमें दो भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। एक अंकगणित का भाग है और एक एडवांस गणित है। एडवांस गणित में मुख्य रूप से ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के सवाल हम देख रहे हैं कि हर परीक्षा में लगातार बढ़ता जा रहा है। मिलाकर कहें तो ज्योमेट्री को बड़ी मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री को अगर हम मजबूती से पकड़ लेते हैं तो हमारे क्षेत्रफल, आयतन, कोऑर्डिनेट के सवाल भी बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो आज हम ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ज्योमेट्री को भी हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, हमें छोटे छोटे टिप्स पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक हमारे अंदर ये बात ना आए कि ये कैसे, क्यों, कहाँ प्रयोग होगा, अगर हम ऐसा चाहें तो ऐसे के लिए हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। आज मैं कोण की शुरुआत कर रहा हूँ। कोण को हम तीन चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अधिक से अधिक पढ़ा सकूँ, हालांकि ऑनलाइन से बहुत संभव नहीं हो पाता है कि पूरी चीज़ें दी जा सके, वो सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जा सके, एक क्लास का एटमोसफियर होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आज शुरुआत मैं कोण के परिचय से कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कोण। कोण क्या है? कोण दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर आकर के मिलने से जो उन रेखाओं के बीच का फैलाव होता है, यही कोण कहलाता है। तो दो रेखाओं के बीच का फैलाव इसे भी कहते हैं और हम इसे भी कहते हैं, यानी एक पोजीशन पर दो कोण हमेशा बनता है। प्यारे बच्चों, ये कोण जो है, ये जो कोण की रेखाएं हैं, ये कोई सामान्य सी रेखा नहीं होती। इनके भी अपने नाम होते हैं, अपने प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं। जैसे एक रेखा इसमें होती है आधार रेखा, आधार रेखा जिसे हम बेस लाइन कहते हैं, और एक होती है मान रेखा जिसे हम वैल्यू लाइन कहते हैं, मान रेखा। अब आप ये बात तो तय हो गई कि आधार रेखा और मान रेखा के बीच जो फैलाव होगा वही कोण होगा। तो फैलाव ये भी है, फैलाव ये भी है, लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ रखना जरूरी ये आ रहा है कि जब हम कोण का मापन कर रहे होते हैं तो हम किधर से किधर की ओर कर रहे होते हैं, तो हम आधार रेखा से मान रेखा की ओर कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखिए। यानी कोण को जब भी हम मापन करेंगे कोण का, तो हम कहाँ से करेंगे? आधार रेखा से मान रेखा की ओर। अब अगर हम मान यहाँ पर लेने के लिए चले तो आधार रेखा तो देखिए हमारी ये है, तो मान रेखा की ओर चले तो एक रास्ता हमारा देखिए ये होता है, लेकिन एक रास्ता अगर हम चले तो ये भी तो होता है, ये देखिए। अगर हम इसको देखें तो ये वाला रास्ता जो है, ये हमारा रास्ता है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रास्ता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब कोण को हम दो डायरेक्शन में माप रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जब हम कोण को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं तो जो कोण की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और जब हम क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं तो यही निगेटिव में लिया जाता है।
ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं है, इसकी डायरेक्शन से है। अगर हम पॉजिटिव लेंगे इसका मतलब कि हम जहाँ से भी जो भी बेस लाइन हमारा बना होगा वहाँ से हम एंटी क्लॉक वाइज चले, और जब हम नेगेटिव लेंगे तो आप समझ लीजिए कि जो भी बेस लाइन हमारा रहा है तो किधर से चले हैं, हम क्लॉक वाइज चले हैं। जैसे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ त्रिकोणमिति के चतुर्थांश पर। देखिए हाँ, एक बात यहाँ मैं और आपको बता दूँ कि जो ये आधार रेखा होती है ये कोऑर्डिनेट का हमेशा यक्स अक्ष होता है जो पॉजिटिव वाला है, इसी को बेस लाइन माना जाता है, यक्स अक्ष पॉजिटिव। अब आपको तो पता ही है कि ये ओरिजिन है, ये यक्स अक्ष पॉजिटिव है, ये यक्स अक्ष का नेगेटिव है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष का नेगेटिव। अब देखिए, अब अगर हमें 60 अंश का कोण बनाना है तो ये 60 अंश पॉजिटिव है, बेस लाइन हमारा ये है, तो हमने क्या कहा कि बेस लाइन से जो फैलाव होता है वही कोण होता है, तो बेस लाइन से पॉजिटिव होने की वजह से हम किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम यहाँ से। अब देखिए 60 अंश पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो किधर चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 60 अंश, यानी ये देखिए जो एंगल बन गया ये 60 अंश बना। लेकिन डियर अगर हमें -60 डिग्री का कोण बनाना होता तो माइनस केवल डायरेक्शन को याद रखिएगा, और अगर माइनस है तो दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक। चलना कहाँ से है, बेस लाइन से, तो बेस लाइन से हम चलेंगे क्लॉकवाइज ये 60 अंश, और ये है -60। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोण दो रेखाओं से बेस लाइन और वैल्यू लाइन से बनेगा, कोण का मापन हमेशा बेस लाइन से वैल्यू लाइन की ओर होगा, मापने में दो दिशा, या तो ये क्लॉकवाइज होगी या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कोण पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो कोण क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आइए आगे बढ़ाएं, आपको चलिए इतना जानने के बाद बात आती है कि कोण कितने प्रकार का होता है। अब देखिए कोण तो हमें 13 प्रकार का कम से कम पढ़ना है, और हम जब 13 प्रकार का कोण और उसकी प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो हमें सवाल करना आसान हो जाएगा। अब कोण को हम कई भागों में बांटकर आपको बता रहे हैं। देखिए कुछ भाग हम बताएंगे बनावट के आधार पर, यानी कोण को हम 13 प्रकार के कोण को, देखिए मैं कैसे बांट रहा हूँ, कुछ तो मैं ले रहा हूँ वैल्यू के आधार पर यानी मान के आधार पर, कुछ को हम लेंगे बनावट के आधार पर, और कुछ हम पढ़ेंगे प्रमेय के द्वारा, यानी हम मान के आधार पर, बनावट के आधार पर, और कुछ कोण को हम प्रमेय या सूत्र के द्वारा पढ़ेंगे। प्रमेय को आप यूँ समझ लीजिए कि सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इधर पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला शुरू करते हैं मान के आधार पर। देखिए कोण कितने प्रकार का होगा, तो हमारा सबसे पहला कोण जो आता है वो आएगा न्यून कोण। क्या है भाई, अगर हम एक थीटा है जो न्यून कोण है ऐसा मान लें, तो इस थीटा की विशेषता होगी कि ये थीटा 90 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा, यानी इसमें हम जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें, ध्यान रखिएगा जीरो से बड़ा, जीरो नहीं, जैसे हमने ले लिया 15 अंश, 30 अंश, 75 अंश, ये सारे हमारे न्यून कोण होते हैं। इसकी बनावट की बात करें तो देखिए ये कोण आपको ऐसे प्राय मिलता है, निशान ऐसे चाप के रूप में लगाया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर आता है इनका समकोण। अगर थीटा को समकोण मान लिया जाए तो थीटा का मान ठीक ठीक 90 डिग्री के
बराबर होना चाहिए। ये तो परिभाषा के अनुसार हो गया कि जब कोण 90 अंश का होता है तो उसे हम समकोण कहते हैं। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें जाननी होगी जहाँ पर 90 की चर्चा तो नहीं होती लेकिन 90 अंश हम अपने आप से लेकर के प्रश्न को हल करते हैं। तो वो क्या है? पहला है कि अगर कहीं चित्र में सवाल चित्र के द्वारा दिया गया हो और उस डायग्राम पर निशान चाप के रूप में नहीं बल्कि आयताकार लगा हो तो आप समझ लो कि ये कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा। वो दिखने में 90 हो चाहे न हो, ध्यान रखिएगा एक बात मैं यहाँ और कह दूँ आपसे कि ज्योमेट्री आँखों से नहीं पढ़ी जा सकती, उसे हम सिद्धांत से पढ़ते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात कर लूँ कि अगर ये एक लाइन है और इसका मान 180 अंश दिया है, देखिए इस लाइन ए ओ बी को आपकी आंख टेढ़ी देख रही होगी लेकिन हमारा ज्योमेट्रिक का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर ये कोण 180 अंश दिया गया है तो निश्चित है कि ए ओ बी रेखा सरल होगी। ये अंतर है और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी और ज्योमेट्री यहीं से कठिन लगती है क्योंकि ज्योमेट्री में कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, आँख कुछ और देख रही होती है और सिद्धांत कुछ और कह रहा होता है। तो ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए डियर हमें तो उसके थ्योरम्स को पढ़ना होगा, उसके रूल्स को पढ़ने होंगे और हमें कतई डायग्राम में क्या बना है कैसा दिख रहा है उसका प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। बात मैं अगर दूसरे नंबर का करूं कि 90 अंश का कोण कहाँ बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि अगर दूरी को व्यक्त करती हुई कोई भी लाइन खींची गई है, जैसे एक रेखा है ये भी और एक रेखा है सी डी और ये कह दिया कि इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब आप बताइए कि बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, दूरी तो हम इनको भी कह सकते हैं, दूरी हम इनको भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, दूरी वही रेखा बताएगी जो दोनों रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब दूरी को भी व्यक्त करने में 90 अंश का प्रयोग होगा। तीसरी बात मैं अगर उठाऊं तो तीसरी बात है ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट, इसको भी शो करने के लिए 90 डिग्री का ही प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि एक जहाज है जो 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, अब बताइए 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो ये जहाज अपने बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। तो अब आपने देखा कि 90 अंश का कोण, एक तो वैल्यू के आधार पर हम सीधे सीधे समकोण कह सकते हैं कि भाई अगर वैल्यू 90 है तो वो समकोण है, लेकिन अगर वैल्यू भी नहीं दिया है, कहा भी न हो, लेकिन डायग्राम में निशान आयत के रूप में लगा हो तो वो समकोण है। दूरी को व्यक्त करने वाली लाइन समकोण, जैसे एक सवाल बनता है कि एक वृत्त है उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब आप देखो केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है और दूरी 90 डिग्री पर होती है, इसका मतलब वो 4 सेंटीमीटर वाली लाइन जो दूरी को व्यक्त कर रही होगी वो निश्चित ही जीवा के साथ 90 अंश का कोण बना रही होगी, इसका मतलब ये होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम छोटे क्लास में अवॉइड किए हैं, नहीं पढ़े हैं और अब जब प्रश्न आते हैं तो इन्हीं सब पे आते हैं और इन्हीं सब की वजह से क्वेश्चन टफ लगने लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है ज्योमेट्री का। बस आपको थोड़ा सा नियम से चलना होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको हर टॉपिक से अच्छा ज्यामिति लगेगी। आइए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण को अगर हम थीटा मान लें तो इस थीटा का मान 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से क्या होगा? छोटा होगा, इसे हम अधिक कोण कहेंगे।
अधिक कोण जहाँ भी बनता है वो थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ होता है और ये कोण अधिक कोण के रूप में लिया जाता है। चलिए ठीक है, अभी आपने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि आप कोण के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहले वैल्यू के आधार पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने तीन कोण पढ़ा, न्यून कोण जिसका मान जीरो से अधिक और नब्बे से कम होता है, दूसरा समकोण जो 90 अंश के बराबर होता है लेकिन कुछ कमेंट के आधार पर भी 90 अंश का कोण अपने आप माना जाएगा, जहां पर निशान आयताकार होगा, जहां दूरी व्यक्त करने वाली लाइन होगी, जहां ऊंचाई वाली होगी, और अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए।